अब्दुल हादी साहब सोया हुआ सी, उठ गया ते सारे ते पहले मेरा मोबाइल चक के बैठा हुआ। गलती की है तुसी एथे ना घर नहीं बनाना सी। अग बल चुकी आ, सुबह सुबह गार्डन जेड़ा है ना चमकाया जा रहा है भाई साहब। बेगम साहब सुबह सुबह तो रही कपड़े वगैरह थोड़े बहुत रेंदे सी रख ला बंद कर दे। नाश्ता मैं हाले हुण करना है, नाश्ता बना मैं ना ओदे लई ना घर नूं चक्कर मार रहा वा। हाँ क्योंकि कल मैं ना तुहानू चल के दिखाना कारण मैं गार्डन की उधर ना सफाई वगैरह कर रही सी ते माशाल्लाह काफ़ी प्यारा घा जिहड़ा है ना उगया होया, दुध जिहड़ा है ना बेगम साहब ने काढ़ ने रखा होया उपर अलहमदुलिल्लाह। वैसे भी ना इस घर का हुण ना काम शुरू कराना इंशाल्लाह, पैसे आते ने ना फौरन इंशाल्लाह। और माशाल्लाह चेक करो भाई साहब चेक करो, गार्डन की बहारा बनिया पियां ने चेक करो, किन्ने किन्ने प्यारे प्यारे फुल खिले हुए ने। अच्छा एक गलती हुई आ कि एक कलर के फुल लाते हैं, एक कलर के नहीं लाने से, इन दे विच ना और भी काफ़ी सारे कलर मिलते हैं वो भी ले आवांगे जिस दिन गए ना सैर साई वाल, तो और मसलन रंग बिरंगे पीले रत्ते खट्टे सारे मिलते हैं फिर ज़्यादा प्यारे लगनगे। गार्डन की लुक कुछ इस तरह नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा फर्क पै गया महसूस हो रहा जिवें मुकम्मल गार्डन हो गया, लेकिन हाले होया नहीं, थोड़ा बहुत रहिंदा हाले तक आ उगण वाला, लेकिन प्यारा देखो किन्ना लगता पाया माशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह। अबू ने ना बूटे पट के लाए सी सूरजमुखी दे इधर भी माशाल्लाह, पता नहीं क्यों मैं सूरजमुखी ना बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, पता नहीं की चक्कर एक बूटा लगे हुआ नहीं होर भी काफ़ी सारे बूटे लगे हुए अलग अलग जगह पर हाले छोटे ने जिमें कि ए देखो ए सामने खड़ा हुआ काफ़ी सारे लगे हुए ने। गार्डन दे विच ना साग उगया पे आ देखो घर का काम कह रहा है जो दोबारा इस शुरू कराना है, काम की करवाना है काम होर बाकी तो सारा कुछ ठीक है अलहमदुल्ला। एक विंडो लगवानी आप ठीक है, विंडो कोई नहीं लगी बाकी दरवाजे वगैरह तो अलहमदुल्ला बड़े सोहने करके घर का जो काम है ना फिर शुरू करा लगे किस घर का इस घर का अलहमदुल्ला। उनकी वजह है कि अलहमदुल्ला जी दरवाजे वगैरह तो क्लीयर हो गए सी सारे ठीक है, अंदरों वायरिंग वगैरह हो गई, एक विंडो रह गई आ विंडो लगवानी आप तो इस तो इलावा बाकी का जो थोड़ा बहुत काम रहा है ना वो भी कंप्लीट कराना है, जिस तरीके विंडो रह गई आ तो इस तो इलावा ए आला रह गया वाशरूम के अंदर आप लवानी है जी टाइल ठीक आ, बाकी सारा मसल सैटअप सुटअप लग गया सी टाइल लावन वाली ना रह गई है सिर्फ और सिर्फ टाइल के नाल नाल बरामदा जोड़ा है ना वो भी भाई साहब उनका बंदोबस्त करते हैं, बरामदा ही करते हैं जी खाली। हाँ जी ए आला बरामदा जोड़ा है ना खाली कर देना सारा, जालियां वगैरह सारिया उतार देनिया ने, है दरवाजे वगैरह खुले हो जाएंगे, है मिट्टी इतों जी चक के बल्कि मिट्टी चकन जरूरत नहीं वैसे भी चुक चुक लेनी है क्योंकि इस्तेमाल हो जानी है, तो सारी लिपाई वगैरह करके जाना पक्का फर्श ला देंगे अगे भी तुम दसिया से यह बन जाएगा जी बरामदा बैठन बुठन वास्ते या थोड़ा बहुत कुछ समान वगैरह बंदा रख सकता जिस तरह के मंजे वगैरह पे ने। फैमिली जिनी मर्जी भी छोटी हो एक कमरे में एडजस्ट नहीं हो सकती, कमरा भी जिन्ना मर्जी वड्डा हो जरूरत बंदा मजबूरी तौर पर रहे तो एक अलग गल है, साढ़े को माशाल्लाह एक्स्ट्रा जगह पई जो है तो फिर बरामदा ना बना लें, तो यो परिंदियां का मसला सी थोड़ा बहुत शौक ही सी, कोशिश है कि इन परिंदियां की जगह ना उस घर में बना ली जाए इंशाल्लाह। बाकी घर में किसी शय की कमी कोई नहीं अलहमदुल्ला बड़ा सोहना बन गया, सिर्फ कमी एक चीज़ की रह गई है जी वाशरूम टाइल तो विंडो। अगले दिन एक ना दोस्त मैं कह रहा है कि नवाज भाई तुसी ना बड़ी गलती की है, तुसी इत्थे ना घर नहीं बनाना सी, तुसी इंज करना सी कि जी उधर मझ वाली जगह ना जिथे मझ वगैरह रखी हुई है वह मझ वाली जगह पिछे सारी खाली पई है उत्थे तुसी अम्मी बूरों वास्ते घर बना दे बैक साइड से सारा, तो उत्थे बेची बैक साइड से तुसी गार्डन बना लेंगे उस घर के बैक साइड से ठीक है, जिथे वाशरूम वगैरह उधर गार्डन बना लेंगे, तो जिथे कच्चा किचन हैगा उस जगह तुम घर बना लेंगे तो उधर गार्डन वगैरह सारा कुछ उधर बना लेंगे, तो जी मझ हैगी ना तुम इस घर में लै लेंगे ता उधरों गंद खत्म हो जाता सारा मझा मुझा वाला जो सिस्टम इस घर में आता तो रिहायश वगैरह सारी उस घर में आँगी। मैं तुम्हें यह गल पहले भी कह चुकिया हाँ कि मैं इतने अम्मी अबूरन अलग घर में रखने का मेरा जोड़ा मकसद से ना वो मैं अगले दिन बुला के तुम दस चुकिया, अगर मैनू मजबूरी ना होंगी तो घर जोड़ा है ना सी इतें ही बनाना सी
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਮਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਗਾਰਡਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁੱਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਘਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਗਰ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਦਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋ ਦਿਨ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੱਝ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਬਦੁਲ ਹਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੰਗਾਇਆ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਲੱਗ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਇਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਚੱਕ ਲੈਣ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਏ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਰਾਤੀ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਟਸਐਪ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਸਾਗ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਗ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰ ਇਹ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਗੰਦਲਾਂ ਗੁੰਦਲਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਹੈ ਪਾਲਕ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਪਾਲਕ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਥੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਮੇਥੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗਿੱਲੀ ਮੇਥੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਦੀਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆ ਗਈਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੱਗਦੀ ਲੁਗਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਗੋਭੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਚੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਚੀ ਗੋਭੀ ਖਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕੱਚੀ ਗੋਭੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਗੋਭੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਗ ਹੁਣ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਾਅਦ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮਟਰ ਪਾ ਦੇ ਆਲੂ ਗਾਜਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਆਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਨਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮੱਝ ਬੜਾ ਖਾਂਦੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਸ਼ੌਕੀ ਵੇਖੇਗਾ ਐਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਦੇਖ ਐਲ ਖਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ੌਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾ ਲਾ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਹੁਆ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਰੋਟੀ ਖਾਲਣ ਕਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੜੀ ਮਦਮ ਮਦਮ ਜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਲਦੀ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੈਸੇ ਮਾਚਸ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗ ਬਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸੱਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦਾ ਪੇ ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ
अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला गोभी गोभी साड़ी पे जिड़ना पै चुकी है जी माशाल्लाह और स्पीड तो स्पीड सालन बन दिया मटर मेरे ख्याल थोड़ा ही पाया से ना बेगम साहबा ने मेरे ख्याल दे विच ते आटा वगैरह भी गुंडिया पक गया सालन पक रहे चूल्हा जेड़ा ना माशाला सही चलता पे हाले तक तो साडा हाँ गर्म होया पे देखिए थलों लग ही ना जावे ना हाँ सही है सालन माशाला बस ना रेडी हो रहा आटा वगैरह अलहमदुल्ला गुन लिया और अग जी हम तंदूर च बालने बड़ी मेहनत ना सफाई वगैरह की है कि नहीं उत्थे जी कालक नज़र आ रही थी तुम पता हो मैं गल करता पाया तंदूर बालिया फिर जो ब्लैक जगह हो जाएगी पोचा मारिया मैं हाँ अब्दुल हाँ जी बुखार है तेनू कह रहा मैं नज़ला बुखार है दवाई लिया दे भी है नज़ला बुखार है तेनू बच्चे भी साढ़े ना कारीगर हो गए अपियां साड़ियां ना आम हुई पईयां ने और मज जिहड़ी ना समझ लो कि इहो मज दा सानूं काफ़ी ज़्यादा फायदे ने इस करके रखी हुई है सिर्फ मेहनत नहीं तो जिन्नी कहिंदी मेहनत है ना साडा दिल करदा सी सेल कर दे भी ऐ जिहड़ियां लकड़ां दियां बचतां ते ऐ देखो ना हुण सारियां थापियां ते ऐ जिहड़ियां ना रोटियां पकड़ियां ने साडियां काफ़ी ज़्यादा बचत समझ लो कि 150 रुपए दियां इक टाइम दियां लकड़ां सड़दियां ने ऐ तंदूर दे विच तंदूर कम अज कम एक बार रोटी पकानी होवे ना 100-150 दी लकड़ सड़ जाती आराम सुकून सुकी लकड़ तकरीबन 1200 रुपए माण है नमक बेगम साहब तू पहले भी पाया सी एक बार चेक किया वो ना वे डबल डबल ना हो जाए खाना तैयार हो गया और बच्चे भी स्कूल आ चुके ने बच्चे आ गए और यह बंदा सन तंग करता और अलहमदुल्ला रोटियां भी पक रही ने बल्कि पक भी गई ने अलहमदुल्ला ए काम चेक करो इंदर ऐ वे झाड़ू आ नवे का की चाल की खिलाए नस जाने ते मां मारेगी तेन चल मल जा मल जा मल जा उधर मल जा भज जा भज जा भज जा चल अंदर अंदर वो वेख बाजी आई बैठी उन्दे को चल शाबाश रोटियां पकावन तो बाद हूँ सोचते पे मज के पट्ठे बनाने ने कि साग बनाना है कि नहीं फिर छड़ के आया तो फिर आए कि हसदा भी आंदा ही रुक जा रुक जा करी रुक जा तेन उ मैं छड़ के नहीं आया चल नस चल नस सालन साडा तैयार होया पिया बिलकुल पानी वगैरह थोड़ा जिहा खुशक हो लैन थोड़ी अग थले बाली नहीं ना आपां मुझी हाँ सच्ची रोटियां पका लिया ने तंदूर के उपर जिहड़ा रखने वैसे भी दिन छोटे हो गए बच्चों का हुण ना कोई वैसे भी कोई टाइम टेबल ना चेंज करने आ क्योंकि अगे तो गर्मियां सी ना दिन काफ़ी वड्डा सी ते इन्हां दा कोई ट्यूशन दा अगे पिछे करने आ चार तो बाद बल्कि 4 बजे क्योंकि बच्चे हूँ तकरीबन 2-2.5 बज गए हैं तो हूँ बच्चे आए हैं तो 3-3:30 बजे चले जाते हैं किसी दिन ट्यूशन तो इन्होंने तो कि वेलिया बहन का टाइम ही नहीं लगता है बकरिया वगैरह जड़िया पिछले चल दी पे रू गई है जी उजड़ लेकिन असी मज नू नहीं चराया और बिल्ली देखो है हाँ जी दातरियां दोवे चक ना एक छोटी चक ला एक वड्डी चक ला असी चले हाँ जी पट्ठे वड्डण वास्ते उधले अपने अपने पट्ठे इत्थों खत्म हो गया सी हुण अपने जिहड़ा ना खत्म करने ना और माशाला बूटा जिहड़ा हैगा ना कोई ग्रो वगैरह करदा तो पिया सरिया लाया होया क्योंकि थोड़ा ही कमज़ोर सी इस करके और सूरजमुखी देखो किन्नी फुट्टी खड़ी है थले ये मैं आप ही बीज थले सिटिया ताकि इतों नून दिखा दिता भावे छेक ही ना दे सारी जिस टाइम वेला लगे हाँ हाँ जी तू साढ़े नाल ही चल
ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੁੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਅੱਧੇ ਘਰ ਪਾਈ ਹੈ ਚੱਲ ਇੰਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਆ ਗਿਆ ਗਿਆ रोटी अलहमदुलिल्लाह जी रज के खा खू ली से पंखा बंद कर दिया मैं भी अपने पंखे पुंखे बंद करते हैं कमरे दे लाइट भी बंद क्योंकि असि जगह ना सू लग जाने दो तीन घंटे पक्के बच्चे चले गए ट्यूशन पढ़न और वापसी जगह ना साढ़े आंदे तक शाम बच्चे ही आवे वे मोटरसाइकिल से चली गए इस जाने क्योंकि रखने जो पट्ठे वगैरह रखने के आसान होंगे ने सूरज बिल्कुल गरूब हो गया अब्दुल हादी मोटरसाइकिल को चला गया मोटरसाइकिल इतने अगे वेचन ही आया असं आए पट्ठे वड्डन तो मोटरसाइकिल पिछा थल क्योंकि ना खाला है जी, ओ, हाँ पट्ठे असं वड लैन अलहमदुल्ला और इन्ने सारे और हूँ जगह वड के तू आओ थोड़े जे पैन हुई पा दे कि नहीं चलो वड के रख मैं आया चलो ठीक चलो ठीक है पट्ठे अलहमदुल्ला असी कुत्तर भी लाए ने वड के लैके भी आ गए दो फेरे साढ़े बने ने एक फेरा मैं पहले कल जी नहीं ला और दूसरे फेरे नाल बेगम साहबन लैंदा ते नाल पट्ठे भी लैंदे ने क्योंकि रोज मिनट मिनट बाद ते जाया नहीं जाता सफर ही काफ़ी सारा तो सुबह वास्ते वड्डदे हुंदे आ हुण भी पाण वास्ते भी कुत्तर लैन ते सुबह वास्ते भी जिहड़ा ना रख दित्ते ने पट्ठे नहीं खराब होंदे उही ना पट्ठे खराब ते हुंदे नहीं खुश्क हुंदे कोई नहीं ते दो दिन यानी 24 घंटे के वढ़ के लै आने हूँ कल इस टाइम ही शाम नहीं वढ़ के लै आवे हूँ वह पा देंगे सुबह फर्स्ट टाइम मैं कुतर के पा देंगे सारा दिन खावेगी शाम को फिर नवे पुराना सारा कुतरा जोड़ा है ना मैं कट दें पुराना कुतरा कट लिया और नवा कुतरा जोड़ा है ना पावे उतना शायद सिंध मैं छिक सैना ए आ गया जी पुराना कुत्रा फिर वध जावे ना एक दो दिन पिया रहे तो मज जिहड़ा है ना नहीं खांदी चारा है सबज हां जी तूड़ी जिहड़ी है ना थोड़ी बहुत ही वेखे मिक्स करदे पिया ए हैगी सी जी साडी अज दी छोटी जी रूटीन अज तुहाडे नाल तकरीबन दोपहर दी रूटीन शाम दी रूटीन तक सारी शेयर कीती है किवें दी लगी कमेंट करके जरूर दस दिओ चैनल नूं लाइक सबसक्राइब कर देना अज काफ़ी दिनों बाद क्या अगर दिल करे तां बाकी बेगम साहिबां तां मैं रल के हुण पट्ठे वगैरह पा के बनावे चाय वगैरह क्योंकि हूँ आ चुके हैं सर्दियाँ इस टाइम अच्छी खासी ना मौसम ना बड़ा जबरदस्त बन जाता कमाल का अगर बंदा बाहर सोवे ना तो नहीं सो सकता क्योंकि रात को अच्छी खासी ना तेल पैंदी है इवें ना तरेल है ना हाँ जी हूने ना तकरीबन 10 9 10 11 बजे तरेल ना पैनी शुरू हो जाती है।